नमस्कार, मैं बनाने जा रही हूँ दही वाला चिकन। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 5 प्याज, दही, लहसुन, अदरक, 4 से 5 मिर्च, 1 टमाटर, 1/2 kg चिकन, ऑयल और ये खड़े मसाले, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, दालचीनी, जीरा और गोल मिर्च और जावित्री। इन सब से मैं बनाऊंगी दही वाला चिकन। यहाँ मैं प्याज को हल्का दरदरा पीस लूंगी। ये देखिए, ये मैंने प्याज को हल्का दरदरा पीस लिया है, ये लहसुन को भी दरदरा पीसा है और अदरक है, मिर्च को मैंने लंबे में बारीक काट लिया है और 2 तेज पत्ता। अब यहाँ ठंडे कढ़ाई में मैं ऑयल ऐड करूँगी। और इसमें जो चिकन मैंने धो के रखा था वो डालूँगी। तेल यहाँ ठंडा है, कढ़ाई अभी गैस पर नहीं है। चिकन डालने के बाद थोड़ा मैं उसे ऑयल में मिक्स कर लूँगी। ये प्याज का जो हल्का दरदरा पेस्ट मैंने किया था वो ऐड करूँगी। अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट इसमें मैं ऐड करूँगी। अब इन सबको मैं अच्छे से मिला लूँगी ऑयल के साथ और ये 2 तेजपत्ता भी इसी में मैं साथ में ही डाल दूँगी। इसे अच्छे से मिला लें। अब यहाँ मैं थोड़ा इसमें हल्दी डालूँगी। नमक और इन सबको डाल के मिला लूँगी। अब यहाँ मीडियम आंच पर मैं वो कढ़ाई रखूँगी और थोड़ा इसे पकने दूँगी। देखिए यहाँ ये पक रहा है। अब इसे मैं थोड़ा चला लूँगी। देखिए अब इसे मैं 5 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी। यहाँ मैं थोड़ा ओपन करके देख रही हूँ। इसे 5 मिनट पकाने के बाद थोड़ा चला लें। यहाँ बारीक कटी हुई टमाटर मैं साथ में ही मिला दूंगी और जो हल्का गरम मसाले का दरदरा मैंने कूट के रखा था वो भी मिला दूंगी और इसे अच्छे से चिकन के साथ चला दूंगी। अब इसे मैं ढक कर 5 मिनट और पकाऊंगी। 5 मिनट पक जाने के बाद ये देखिए हल्का ऑयल ये छोड़ दिया है। थोड़ा चला लें। देखिए अब यहाँ मैं थोड़ा इसमें पानी मिलाऊंगी, पानी डाल दूंगी ताकि ये नीचे से जले ना। अब ये पानी डाल के मैं इसमें थोड़ा मिला लूंगी।
और इसे ढक के करीब 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी। देखिए चिकन अच्छी तरह मसाले भी तेल छोड़ चुके हैं। अब इसमें मैं ग्रेवी के अकॉर्डिंग 2 ग्लास पानी मिला दूंगी। ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है ताकि चिकन अच्छे से पक जाए और इसे ढक के करीब 10 मिनट पकाऊंगी। देखिए अच्छे से चिकन पक चुका है। अब यहाँ मैं थोड़ा चला लूँगी इसे और जो दही था वो इसमें मिला दूंगी ऊपर से डालकर। दही डालने के बाद थोड़ा मिलाने के बाद मैं इसे 1 से 2 मिनट और पकाऊंगी। देखिए यहाँ चिकन बन के रेडी है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। अब मैं चिकन को सर्व करूँगी चावल रोटी और सैलेड के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।